हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू लाइन साइंस अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग दी करंट अफेयर्स ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो आज हम अपने सेकेंड डिविजन टेस्ट को कंडक्ट करने जा रहे हैं जहाँ पे आपके डे फिफ्टीन से लेकर डे थर्टी तक के एम uh, जितने भी अपने करंट अफेयर कवर किए हैं उनका यहाँ पर आपका रेस्ट होगा सो so, आपको पता है आपको किस तरीके से पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन करना है बेसिकली आपको यहाँ पे आपका पंद्रह क्वेश्चंस का सेट है और जैसा आप हमेशा करते हैं आपको वीडियो को पॉज करना है जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करना है ठीक बस आज यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंट ये होगा कि जैसा कि हमने पहले वाले रिवीजन टेस्ट में भी देखा था कि जो आंसर होंगे आपके वो आपकी नेक्स्ट वाली जो नेक्स्ट uh, लेक्चर आएगा उसमें आपके आंसर्स बताए जाएंगे ठीक सो so, आपको वीडियो को पॉज करना है कमेंट सेक्शन पर आंसर टाइप करना है फिर अगले लेक्चर पे अपने आंसर्स चेक करके बाय द एंड ऑफ द वीडियो अपना फाइनल स्कोर या तो कमेंट सेक्शन में या फिर जो आ, आपका जो ग्रुप बना है ऑलरेडी आपका लाइन्स का वहाँ पे आपको अपना फाइनल स्कोर बताना है कि आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आए याद रखिएगा ये मार्क्स बताने बहुत ज़रूरी हैं इंपॉर्टेंट है जो जो कंडक्ट करेंगे टेस्ट को तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं ही इज़ कैप्टन अमेरिका विश इन ऑल यू आर वेरी गुड लक एंड आई होप आप लोग पिछली बार की तरह बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे सो लेट स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल आउटकम ऑफ हाई कैश रिजर्व रेशियो first one is banks will have more money to lend banks will have less money to lend government will have less money to spend and none of the above ठीक सो आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर टू विच करेक्ट रिगार्डिंग नाबार्ड फर्स्ट इज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड एनी अदर सच विलेज और रूरल प्रोजेक्ट्स सेकेंड इज इट इज स्टैच्यूटरी बॉडी स्टैब्लिश इन नाइनटीन एटी टू अंडर पार्लियामेंट्री एक्ट नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट नाइनटीन एटी वन एंड योर ऑप्शन आर एन दी बी ओन दी बोथियान एन अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करें uh, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है नार्ड इसके बारे में ये जो डिटेल्स दी गई हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इसलैस आर करे रिगार्डिंग हाई कोर्ट रिट जुरिस्टिक्शन ऑफ हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड इज द रिट जुरिस्टिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज नैरोन सुप्रीम कोर्ट एंड योर ऑप्शन आर एनली बी ओनली बोथ कैन अगर आपको आंसर्स वैसे तो आपको पता ही होंगे बट आप अपने जैसे आप लोग लॉजिक्स भी लिखते हैं कि आपने क्या लॉजिक लगाया तो वो भी आपके लिए बहुत बेटर होगा लाइक आपको पता चला जाएगा कि आप किस माइंड सेट से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर रहे हैं ठीक uh, बहुत बेनिफिशियल होता है अगर आप लॉजिक्स भी वहां पे लिखते हैं कि आपने क्या लॉजिक लगाया था इस आंसर को देते हुए किसी भी आंसर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच पहला है कैब विच इज़ आपका कॉम्प्यूटर एंड ऑडिटर जनरल इसका आर्टिकल है आपका आर्टिकल वन फोर्टी एट दूसरा है ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल थ्री टू वन पार्टनिंग पावर ऑफ गवर्नर आर्टिकल वन सिक्स वन एंड द लास्ट वन इज वन ऑफ द अबो सो देखते हैं इसका आंसर ऑफिस थी वो नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा बट इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में टाइप करें नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लोबल मीथिन असेसमेंट इज़ अ रिपोर्ट रिलीज बाय पहला है यू दूसरा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तीसरा है यू एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ दी अबव सो जो हम रिपोर्ट्स वाला कवर करते थे फिर उसी में से आपके क्वेश्चन निकल के आते हैं मीथिन वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए सो so, उससे रिलेटेड जितने भी आपकी रिपोर्ट्स हैं असेसमेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर टेक्स प्लेस बिटवीन पहला है इंडिया सिंगापुर दूसरा है इंडिया रशिया तीसरा है इंडिया श्रीलंका एंड द लास्ट वन इज ऑफ अब अगेन जो हम मिलिट्री एक्सरसाइज कवर करते थे उसमें आपका फिर ये क्वेश्चन आ जाता है में ये जो आपका सेट बनाया गया है बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखी गई हैं कि आपके जो भी जितने भी हम चीज़ें कवर करते हैं आपका पॉलिटी हो गया आपका इकोनॉमिक्स हो गया मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी कन्वेंशन हो गए ठीक आपके मैप पे जितने भी क्वेश्चन हो गए ठीक आपकी रिपोर्ट्स जितनी भी हम कवर करते थे तो ट्राई किया गया है कि यहाँ पर आपका सब एक रिविजन आपका हो जाए ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन दी एचिसन कमेटी फॉर द सिविल सर्विस रिफॉर्म इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा वॉज फॉर्म बाय पहला है कॉन दूसरा है तीसरा है लिटन एंड द लास्ट वन इज दें तो आपको पता ही होगा एच एसन कमेटी सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के रिलेटेड बनी थी बट आपको बताना है कौन किसके एरा में बनी थी ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन नसीम अल बहर इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन पहला है इंडिया सऊदी अरेबिया दूसरा है इंडिया यमैन तीसरा है इंडिया इजराइल एंड द लास्ट वन इज वन ऑफ अबव सो आंसर अपना कमेंट सेक्शन में टाइप करें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं Arrange the following फॉलोइंग west वेस्ट टू ईस्ट पहला है मेडागैसकर दूसरा एसे तीसरा है मॉरिशियस एंड द लास्ट इन स्मॉल दीवस एंड ऑप्शन आर ए बी सी डी ए बी डी सी बी ए सी डी या फिर बी ए डी सी ठीक सो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करें अच्छे से इसको सॉल्व करिएगा जो हम मैप बेस कवर करते थे तो देखा था हमने किस तरीके से आपके ये जो कंट्रीज़ हैं या फिर जितने भी आपकी ये लोकेशनज हैं किस कहाँ पर कौन आपके मिलती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑस ऑसरिस रेक्स मिशन इज एसोसिएटेड विद सो पहला है नासा दूसरा है इसरो तीसरा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड द लास्ट वन इज वन ऑफ द अबाव सो ये मिशन आपका किससे रिलेटेड था सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आई होप आप लोगों ने आंसर अपना टाइप कर दिया होगा विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शेयर बॉर्डर विद मंगोलिया पहला है चाइना दूसरा है रशिया तीसरा है किर्गिस्तान एंड द लास्ट वन इज वन ऑफ द अबाव अगेन जो हम मैप आप सीरीज कवर कर रहे थे तो so, उसमें आपकी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कौन किसके साथ साथ शेयर करता है और स्पेशली ये वाली लोकेशंस जो आपकी ऊपर की तरफ को हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो न्यूज़ का पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चाइना हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है ठीक सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग बाय लेटरल एक्सरसाइजेज विद इंडिया इज़ नॉट करेक्टली मैच पहला है ऑस्ट्रेलिया अब बेसिकली मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पे ये यह है कि इंडिया और इन कंट्रीज़ के बीच में होने वाली एक्सरसाइजेज हैं ठीक अब उनके नाम दिए गए हैं तो आपको बताना है कि कौन सी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फॉर एग्जांपल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या आपकी एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद ही होती है आपको इनकरेक्टली मैच बताना है ठीक सो so, पहला है आपका ऑस्ट्रेलिया एक्साइज ऑस्ट्रा हिंद दूसरा है नेपाल एक्साइज संप्रीति तीसरा है चाइना एक्साइज हैंड इन हैंड एंड द लास्ट वन इज वन ऑफ दी अबव सो अच्छे से करिएगा इसे मिलिट्री एक्सरसाइज में हम कवर करते थे फिर आपको ये चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डिस्कस द करेक्ट स्टेटमेंट प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अनाउंस इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ करेक्टिंग रीजनल इम्बेल इम्बेलस इन अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल टर्सरी हेल्थ केयर सर्विसेज एंड ऑल्सो टू ऑगमेंट फैसिलिटीज़ फॉर क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन इन द कंट्री एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज द पी एम द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सो आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट एनली बी ओनली बोथ या नन तो अपना आंसर टाइप करिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फॉरमोसा स्टेट सेपरेट्स नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया स्पेन एंड मोरक्को ऑस्ट्रेलिया एंड स्पानिया एंड ऑफ द अबो जो हम स्टेट्स कवर करते थे तो फिर आपका ये आपका उसमें भी कवर हो जाता है रिविजन में फिर आपने ऑब्वियसली ये पढ़ा होगा लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं संवेदना इज अ टेली काउंसलिंग सर्विस फोर किसके लिए है ये पहला है चिल्ड्रन दूसरा है फ्रंट लाइन वर्कर्स तीसरा है एल्डरली पीपल एंड द लास्ट वन इज ऑफ दी अबव सो so, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा सो so, uh, ये आज का टेस्ट के लिए, लिए इतना ही आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा अच्छे से इन्जॉय किया होगा इस टेस्ट को द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लर्निंग तो आप लोगों ने ऑब्वियसली uh, इसका रिविजन अच्छे से किया रहा होगा तो आप लोगों को एग्ज़ाम कंडक्ट एग्जाम में पार्टिसिपेट करने में मज़ा आया होगा ठीक सो so, आंसर आपके नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएंगे और प्लस उसमें आपको ये भी दिख जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ डिस्कस होनी चाहिए थी इंपॉर्टेंट ठीक सो टिल देन थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग थैंक यू फॉर योर परफॉर्मेंस आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें बहुत अच्छा स्कोर करें आज के टेस्ट में थैंक यू सो मच कैसे